नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अपनी बीपी की मेडिसिन ले रहा होता है, तो क्यों उसकी बॉडी के अंदर सडन ब्लड प्रेशर का फॉल देखा जाता है कि उसका बीपी इतना कम हो जाए कि पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाए या फिर बेहोशी आ जाए। ये एक समस्या सब पेशेंट के साथ नहीं देखने को मिलती, कभी कभार कुछ ही पेशेंट्स में देखने को मिलती है। और जब किसी किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है कि उसका ब्लड प्रेशर सडन फॉल कर जाता है, तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ज्यादा अमाउंट में नमक खाना शुरू कर देता है या फिर अपनी बीपी की मेडिसिन को बंद कर देता है, जिससे कुछ टाइम के लिए उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ठीक रहना शुरू करता है, मगर उसकी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत दोबारा से सामने आनी शुरू हो जाती है। और हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जब तक एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, तब तक वो अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत को भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और ये हाई ब्लड प्रेशर जैसे ही आपकी किडनी के अंदर एंटर करता है, तो किडनी की जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको डैमेज पहुंचना शुरू करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किडनी फेलियर की दिक्कत भी ना बढ़े, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे, तो हमें इसे थोड़ा सा गहराई में जाके देखना पड़ता है। अब साइंस इंजीनियरिंग में इतने पेशेंट्स आते हैं, तो कुछ एक पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यही सेम दिक्कत देखने को मिलती है कि ब्लड प्रेशर सडन फॉल कर जाता है। तो जब हम बार बार ऐसे ही पेशेंट देखते रहते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिल जाती हैं। और वही कॉमन चीज़ और कॉमन छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्यों ये सडन ब्लड प्रेशर फॉल करता है। जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, उनकी मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगी और वो होती है डायूरेटिक, यानी वो मेडिसिन जो आपका यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा लेकर आती है। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, अगर इसका सेवन पेशेंट डेली बेसिस पे करता है, तो क्या होता है कि बॉडी में से पानी तो निकलता है, मगर पानी के साथ साथ बॉडी में से सॉल्ट भी बाहर चला जाता है। और जैसे ही सॉल्ट बाहर जाता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सडन फॉल कर जाता है, वो बहुत कम आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पेशेंट दोबारा से नमक खाना शुरू करता है, पहले उसे अच्छा लगता है, मगर अगले ही दिन उसका ब्लड प्रेशर फिर से अपने पुराने लेवल, हाई लेवल पर टच करना शुरू करता है। तो ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए, अगला सवाल ये उठता है। पहली चीज़ ये होती है कि हमें ऐसी डायूरेटिक मेडिसिन को बंद करना पड़ता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर इतना नीचे चला जाए, जो बॉडी में से सॉल्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकाले। हमें कुछ इस टाइप का डायूरेटिक चाहिए होता है जो बॉडी के अंदर सॉल्ट की अमाउंट को नेचुरल फॉर्म में बनाए रखे, उसको भी नीचे ना लेके जाए। और ये जो काम कर पाती हैं, ये कर पाती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिंस। डायूरेटिक मेडिसिंस आयुर्वेद में भी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक डायूरेटिक मेडिसिन एक किडनी फेलियर पेशेंट को क्यों दी जा रही है। जब किसी किडनी फेल होना शुरू होती है, तो किडनी का फंक्शन होता है खून को साफ करना, साफ करके यूरिन फॉर्मेशन करके बॉडी में से सारी गंदगी को बाहर निकालना। मगर जब आपकी किडनी इस काम को नहीं कर पा रही होती, तो बॉडी के अंदर यूरिन के साथ साथ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है। मगर जब हम मेडिसिन देते हैं, डायबिटिक देते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन तो हो जाती है, बॉडी में से वाटर एंड सॉल्ट तो जाना शुरू कर देता है, बट कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो बढ़ना शुरू होता है। तो हमें इसको थोड़ा सा किडनी लेवल पर जाके ठीक करना पड़ता है, किडनी के ऊपर काम करना पड़ता है, किडनी की फंक्शंस को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके क्रिएटिनिन, यूरिया, सॉल्ट, वाटर सब कुछ अपने नॉर्मल लेवल्स में रहना शुरू करते हैं। इसके लिए साइंस संजीवनी में हम जो एडवाइस करते हैं वो है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जो किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करे। किडनी का फंक्शन को रिस्टोर करते हुए बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वाटर एक्सेस में इकट्ठा हो रहा है, पोटेशियम इकट्ठा हो रहा है, वो बॉडी से बाहर जाना शुरू कर दे। तो पेशेंट को समझना पड़ता है अपनी किडनी को। सबसे पहले समझना पड़ता है कि किडनी खराब क्यों हो रही है, क्योंकि हर पेशेंट, हर किडनी फेलियर का पेशेंट दूसरी किडनी फेलियर के पेशेंट से अलग हो सकता है, उसके पीछे कारण अलग हो सकता है। किसी में हाई ब्लड प्रेशर कारण मिलता है, किसी में डायबिटीज मिलता है, किसी में आपको कारण मिलता है आईजी नेफ्रोपैथी, किसी में पॉलीसिस्टिक किडनी, तो हर एक केस एक दूसरे से अलग होता है। तो सबसे पहला काम जो भी साइंस इंजीनियरिंग में किया जाएगा वो है आइडेंटिफिकेशन कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। सपोज करो आपकी किडनी खराब हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ट्रीटमेंट भी हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से ही शुरू किया जाएगा। सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि किसी भी तरह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि एक बार वो चीज कंट्रोल में आ गई, तो वहां से आपकी दिक्कत आगे नहीं बढ़ती। मान लो आपका
किडनी लेवल 3 या 4 है, 4 मान लीजिए कि आपका किडनी लेवल 4 आ रहा है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है ये जो 4 है इसे 5 होने में देर नहीं लगेगी। मगर अगर आपका किडनी लेवल 4 है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक बिल्कुल मेंटेन बना रहता है, तो ये जो लेवल 4 है ये आपको नीचे जाता हुआ देखने को आराम से मिल जाएगा और ना ही ये वापस आएगा, क्योंकि अब किडनी को नुकसान आगे नहीं हो रहा। तो किडनी फेलियर के अंदर हम क्या कहते हैं कि किडनी एक बार डैमेज हो जाती है वो रिपेयर नहीं हो सकती। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी को नुकसान होते हुए उसे होते रहने दिया जाए कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, डायलिसिस करवाना पड़े। अगर आपको एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है, तो उसको फेल होने को वहीं पर रोक दिया जाए। और उसको रोकने के लिए सबसे पहला काम वही जो आपको बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो कारण है, जो रीज़न है, उसे कंट्रोल में कर लो। एक बार वो कंट्रोल में, तो आपकी दिक्कत वहीं पर रुक जाती है। और एक बार वो रुक गई तो किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट की हेल्प से, सही डाइट की हेल्प से, हम उस किडनी लेवल को भी बॉडी में अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे लेकर आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट आखिर काम कैसे करता है। ये जो किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट का जो 50% होता है वो हम लेकर चलते हैं डाइट, क्योंकि हम जो खाते हैं पीते हैं बेसिकली हम उसी के हिसाब से हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनता है। अगर हमारी बॉडी में हमने कंट्रोल करना है किडनी, तो हमें अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम प्रोटीन की अमाउंट को कंट्रोल कर देते हैं तो हमारी आप देख पाएंगे रिपोर्ट के अंदर कि क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है। तो जो भी पेशेंट हेल्दी होता है, शरीर से ठीक है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बिल्ड ठीक ठाक है, उन पेशेंट को हम यही एडवाइस करते हैं कि अपने खाने के अंदर अपनी जो प्रोटीन की अमाउंट है उसे कम कर दो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी नॉन वेज मटेरियल है, जितने भी पल्सेस हैं, इनको आप बंद कर दो। जब पेशेंट अपना प्रोटीन इनटेक बंद करता है तो आप क्या देखते हो कि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ही कम होने लगती है। जब वो कम होने लगती है तो उसे कम मैनेज करना पड़ता है, कम उस पर ध्यान देना पड़ता है। मगर प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो आपने कितना प्रोटीन खाना है, कब खाना है, वो थोड़ा सा एक डॉक्टर के अथॉरिटी के अंदर आ जाता है कि कब शुरू करना है। तो जब तो आप साइंस संजीवनी में आते हैं तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोटीन या तो दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। अगर प्रोटीन आपको बंद किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है, वो आपको दिया जाएगा, बट तब जब सही टाइम आएगा, जब आपके लेवल थोड़े से सुधर जाएंगे, जब आपकी बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, तो आपका प्रोटीन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो शायद क्रिएटिनिन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है एक पेशेंट के अंदर। ये जब नॉर्मल लेवल्स में है तो आपकी मसल्स को पावर देता है, ताकत देता है, मगर अगर इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो ये बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। ये आपकी मसल्स में फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है, क्योंकि हमारा जो हर्ट है, हमारा जो दिल है, वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो इसका असर हमारी दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हमें एरिदीमिया होना शुरू हो जाता है, यानी हमारी जो दिल की धड़कन है वो बदल जाती है। आपको छाती में पेन फेल हो सकता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपका हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर आप देखते हो कि किडनी फेलियर का पेशेंट जब इसका लेवल बढ़ता है तो कंप्लेन करता है कि मुझे थकावट हो रही है। वो थकावट इसलिए हो रही होती है क्योंकि बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? ये जो पोटेशियम है, ये हमारी हर खाने पीने की चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, चाहे आप आलू खाएं, चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप गेहूँ खाएं, मगर हर चीज़ के अंदर इसकी मात्रा बराबर नहीं होती, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करें वो लो पोटेशियम होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। अब सवाल उठता है कि लो पोटेशियम चीज़ें कौन सी होती हैं, कौन सी वेजिटेबल है, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से सीरियल्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर आइडिया दे देता हूँ। फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ फ्रूट्स को छोड़ना पड़ता है, बनाना, कीवी, एवोकाडो, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद जो भी चीज़ सूख कर आप खाएंगे उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये आपने ये वाले फ्रूट्स नहीं खाने। इसके अलावा वेजिटेबल्स पे चलते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है वो आपने अवॉइड करनी होती है, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद। इनके अंदर जो मात्रा होती है पोटेशियम की ज़्यादा होती है। आप आलू को लीच करके भी खाएंगे तो भी आपको अपना पोटेशियम बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। इसी तरह जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको कहा जाता है कि इनको आपने नहीं लेना। अब सवाल उठता है कि कौन सी खानी। जो भी सब्जी
किसी बेल पे, पौधे पे, फल की तरह लगती है, वो आप खा सकते हैं। बैंगन, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरी, परवल, पैठा, सारी की सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। इससे आपके पोटेशियम पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, वो सही तरीके से मेंटेन रहता है। इसके अलावा सीरियल्स पे चलते हैं तो जो भी पेशेंट होता है हमको यही एडवाइस करते हैं कि आपने जो गेहूँ और चावल किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, जो का आटा ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, गेहूँ, अब गेहूँ की और फॉर्म होती है, गेहूँ से आटा बनता है, मैदा बनता है, आटे से आपके बिस्किट बनते हैं, रस बनते हैं, तो कोई भी चीज़ जो भी आपका आटे से बनी हुई है वो आप ले सकते हैं, चाहे वो आप चाइनीज़ में खाएं, चाहे आप उसको इंडियन में खाएं, रोटी खाएं, पराठा खाएं, सब कुछ खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, इसको आपने क्रॉस नहीं करना होता। बेसन, रागी और ये जो बाकी जो सीरियल्स होते हैं इनके बारे में सेफ्टी हमें नहीं पता होता, इसलिए हम इसको एडवाइस नहीं करते। जो पेशेंट के अंदर कमज़ोरी फील हो रही है वो अपने खाने के अंदर, अपने आटे के अंदर थोड़ी सी मात्रा में चावल का जो अरारोट होता है, स्टार्च होता है, वो ऐड कर सकते हैं। इससे पेशेंट को बहुत अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलनी शुरू होती है। मगर पेशेंट नॉन डायबिटिक होना चाहिए, पेशेंट को डायबिटीज़ की दिक्कत ना ही होनी चाहिए। जिन पेशेंट को डायबिटिक हैं वो अपने खाने के अंदर, आटे के अंदर स्टार्च को ऐड नहीं करेंगे। तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, ना सिर्फ डाइट के बारे में बल्कि क्यों जो हमें फॉल देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर का सडन फॉल देखने को मिलता है कि आपने गोली खाई और सडन फॉल आपका हो गया, वो इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि यूरिन के थ्रू बॉडी में से सॉल्ट बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा होता है। तो हमें अपनी जो मेडिसिन होती है, डायबिटिक मेडिसिन होती हैं, उनको बंद करना पड़ता है और उसे रिप्लेस करना पड़ता है ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो आपकी बॉडी में से एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट को बॉडी से बाहर ना निकाले। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर भी किडनी से रिलेटेड और बाकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।